अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाहीन और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल कुक विद शाहीन। आज मैं व्यूअर्स आपके साथ आलू फलियां बनाने का तरीका शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार बनेगी और झटपट बनने वाली रेसिपी है और खाने में बहुत ही लजीज है। चलिए आलू फलियां बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में हम 1/4 कप तेल ऐड करेंगे। जैसे ही तेल गर्म होगा प्याज ऐड करेंगे। लार्ज साइज का एक मैंने प्याज लिया था, रफली चॉप कर दिया था, वो ऐड कर देंगे। प्याज को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, गोल्डन ब्राउन करेंगे। जैसे ही कलर चेंज हो जाए प्याज का, फिर इसमें हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून भर के। 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी ऐड कर दिया है। प्याज और जिंजर गार्लिक पेस्ट को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जैसे ही अच्छे से खुशबू आना शुरू हो जाए टमाटर ऐड करेंगे। 2 मीडियम साइज के टमाटर हैं, मीडियम मैंने कट कर लिया था, टमाटर ऐड कर देंगे। साथ ही हम स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। सबसे पहले 1 टीस्पून सुरख मिर्च पीसी हुई ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और लास्ट में हम नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही 1/4 कप पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला हमारा जले ना। अब साथ ही हम इसमें कवर करके हमने 1 से 2 मिनट मसाले को पका लिया है। साथ ही 1 अदद मोटी इलायची ऐड कर दी, जिससे फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा आलू फलियों का। मसाले की मैंने अच्छे से भुनाई कर ली। अब इसमें फलियां ऐड करेंगे। 1/2 kg मैंने फलियां ली हैं, निकली हुई फलियां ली हैं, अक्सर मार्केट से आसानी से दस्तयाब होती है, आसानी से मिल जाती हैं। फलियां आप घर में भी निकाल सकते हैं, फलियां इस तरह साबुत आप ले लें तो फलियां आप बना सकते हैं। इस तरह 2 मीडियम साइज़ के आलू मैंने लिए हैं, दरमियाने साइज़ में मैंने कट कर लिया है। फलियाँ और आलू डालने के बाद आपने अच्छे से भुनाई करनी है। जितनी अच्छी आप भुनाई करेंगे उतना ही ज़बरदस्त आपका सालन बनेगा आलू फलियों का। अच्छे से भुनाई करने के बाद 2 कप पानी ऐड करेंगे। 2 कप पानी ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पर आपने पकाना है और मज़ीद पानी आपने ऐड नहीं करना। अगर आप थोड़ा सा ग्रेवी रखना चाहते हैं, सालन को कुछ लोग ड्राई पसंद नहीं करते, तो आप इसमें मज़ीद पानी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार आलू फलियों का सालन तैयार है। लास्ट में हमने गरम मसाला पिसा हुआ ऐड कर दिया है। फलियां भी हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं, आलू भी गल चुके हैं, अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। लास्ट में गरम मसाला पिसा हुआ ऐड कर दिया है, हरा धनिया ऐड कर दिया है, हरी मिर्च ऐड कर दी हैं 2 से 3 अदद। अब लास्ट में अब मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज आलू फलियों का सालन तैयार है। आलू फलियाँ बनाने का बेहद आसान तरीका है, आपने ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी को। सर्व करें तंदूरी नान के साथ, सादा रोटी के साथ खाएं, घर की चपाती के साथ खाएं। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।